नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। आपका पहली पारी का जो पेपर है वो संपन्न हो चुका है और पहली पारी के एक स्टूडेंट है हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? रवि सैनी हमारे साथ में है। पेपर दे के आए, पेपर दिखाओ एक बार आपका। हाँ, तो ये पेपर दे के आए हैं और ये जेन्युइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, इन्होंने बताया। तो आप आज की जो अपनी सुबह की जो क्लास थी 1000 क्वेश्चन की, वो इन्होंने देखी है? हाँ सर। तो मतलब कि उसमें से क्वेश्चन मिले हैं? हाँ सर, मिले हैं। हाँ, कितने क्वेश्चन मिले होंगे लगभग? कम से कम 10 से 15 सवाल मिले हैं। 10 से 15 सवाल एक क्लास में से यहाँ पर मिले हैं साथियों। और एक बार आप बताओ कि पेपर कैसा रहा, मतलब कि टफ रहा, आसान रहा या मॉडरेट, मतलब बीच का सा रहा? ये पेपर तो हार्ड ही रहा वैसे तो। अच्छा, जैसे साइंस का वेटेज ज़्यादा रहा इसमें, साइंस और मैथ का वेटेज ज़्यादा रहा। परसेंटेज जैसे मैथ के अंदर परसेंटेज, ब्याज, अनुपात, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। मतलब अर्थमेटिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए आपके, जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है या आपके साझा है, इनसे सवाल पूछे गए? हाँ सर। और इंग्लिश हिंदी का वेटेज कितना रहा है? इंग्लिश हिंदी का वेटेज 10 से 15 क्वेश्चन दोनों का वेटेज रहा है। 10 से 15 का वेटेज रहा। तो जैसे कि हिंदी इंग्लिश में मतलब जो सवाल पूछे गए वो किस प्रकार से पूछे गए? व्याकरण से सवाल पूछे गए हैं या जो पैराग्राफ है उससे सवाल पूछे गए? व्याकरण से सवाल पूछे गए। तो यहाँ पर एक पैसेज भी आया इंग्लिश का, आपने देखा है? हाँ, पैसेज। उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। हाँ। तो यहाँ पर पैसेज को लास्ट में सॉल्व करा था आपने या स्टार्टिंग में करा था? लास्ट में सॉल्व करा था। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है करंट अफेयर के सवाल अगर हम देखें, करंट अफेयर के कितने सवाल बन रहे हैं? 10 से 12 सवाल करंट अफेयर से। कैमरे में देख लो आप, 10 से 12 सवाल करंट अफेयर से बने हैं। 10 से 12 सवाल। तो करंट अफेयर में राजस्थान की करंट अफेयर और इंडिया की दोनों की पूछी गई है? हाँ सर। अच्छा, साइंस में बताया जा रहा है कि साइंस में ज़्यादा सवाल आए हैं। हाँ। और साइंस का जो लेवल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो साइंस में जैसे केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, बायोलॉजी, तो आप मुझे बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? फिजिक्स से ज़्यादा सवाल पूछे गए। हाँ सर। फिजिक्स में जैसे लाइट वाला चैप्टर, उससे सवाल आए? हाँ सर। प्रकाश वाले से उससे कितने सवाल बने आपके? 5 से 7 सवाल बने उससे। हाँ, तो जो आने वाली शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे तैयारी करें, किस पे ज़्यादा फोकस करें जिसका आपका पेपर बढ़िया जा सकता है? साइंस और इंडिया जीके का ज़्यादा फोकस करें इस पे। अच्छा, साइंस और इंडिया जीके पे ज़्यादा फोकस करें। इंडिया जीके में पॉलिटी ज़्यादा आ रही है? पॉलिटी और ज्योग्राफी ज़्यादा आ रही है। ज्योग्राफी ज़्यादा आ रही है। अच्छा, आपके जो राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर आता है उसके कितने सवाल, मतलब सवाल आए हैं? 10 से 12 सवाल आए। 10 से 12 सवाल आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर। तो कुल मिला के बात यह है कि आप, ये जो भैया ने बताया आपको, ये पेपर दे के आए हैं, इन्होंने अपना रिव्यू रखा है और ऑथेंटिक रिव्यू रखा है। और आपने देखा है कि जो पैटर्न रहा है पहले से, ठीक है ना, जैसे कि सीईटी स्नातक में जो पहली पारी का पेपर हुआ, सेकंड पारी में भी उसी पैटर्न पे रहा, अगले दिन भी उसी पैटर्न पे रहा पेपर जो है। तो यहाँ पर भी 10+2 में भी शिफ्ट के जो आने वाली शिफ्ट के जो पेपर हैं वो इसी पैटर्न पे रहने वाले हैं। तो बिल्कुल अब आंसर की के साथ मैं आपसे लाइव मिलूंगा। धन्यवाद।